गाइडेंस एजेंसी ने एक बार फिर रचा बड़ा इतिहास। 9 साल में पहली बार अपनी धरती से अंतरिक्ष में भेजे एस्ट्रोनॉट्स। जी हाँ, नासा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और फ्लोरिडा स्थित जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के डेमो 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और स्पेसएक्स अमेरिका के जाने माने उद्योगपति इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी है। एक तो 9 साल बाद अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर बड़ा कीर्तिमान हाथ लगा, वहीं पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाया है। इसके साथ ही दुनिया में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टीन ने ट्वीट किया, लिखा, 9 साल में पहली बार अब हमने अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिका की धरती से भेजा है। मुझे नासा और स्पेसएक्स की टीम पर गर्व है जिसने हमें इस क्षण को देखने का मौका दिया है। ये एक बहुत ही अलग तरह की फीलिंग है जब आप अपनी टीम को इस रॉकेट पर देखते हैं। ये हमारी टीम है, ये लॉन्च अमेरिका है। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 3:22 पर रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसमें बैठे दोनों एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हले 19 घंटे का सफर तय करने के बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेंगे। इससे पहले इस तरह के मिशन के लिए रूस की स्पेस एजेंसी का सहारा लिया जाता रहा है। साल 2011 में जब से स्पेस शटल प्रोग्राम खत्म हुआ है उसके बाद से पहली बार अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका की ही मिट्टी से स्पेस में भेजे गए हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल नासा के फैल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया गया। अमेरिका के इस मिशन के लिए पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी थी और इससे पहले ये मिशन बीते बुधवार को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इस मिशन को 3 दिन के लिए टाला गया था, जिसके बाद इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है।